मध्य प्रदेश में सुंदरकांड को लेकर एक नए किस्म की सियासत शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों में अब होड़ है कि थाने के अंदर अपने अपने कार्यकर्ताओं के जन्मदिन मनाए जाएं। ऐसे ही कांग्रेस के मेरे साथ पूर्व विधायक पीसी शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने एक आवेदन दिया है टीटी नगर थाने में कि वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को आपको जन्मदिन मनाना है। कल नर्सिंग घोटाले में विश्वास सारंग मंत्री जी के खिलाफ पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी अध्यक्ष, दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उमंग सिंगार प्रतिपक्ष के नेता, कटारे जी उपनेता और सभी नेता वहाँ गए थे और वहाँ रोक दिया गया थाने में जाने से। उनका कहना था कि थाने के अंदर सुंदरकांड हो रहा है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता नरेश यादव जी का जन्मदिन मन रहा है और FIR आप यहीं सड़क पे दे दीजिए। TI, CSPO तमाम नेता आ गए, वो हाँ बोले परमिशन बीजेपी ने पुलिस ने विधिवत दी हुई है, इसलिए पहले उनकी वो कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। इस बात को लेके कल शनिवार जो सुंदरकांड होता है, शनिवार मंगलवार को खास होता है, कल गुरुवार था, शनिवार को हमारा वार्ड अध्यक्ष है बंटी जैन, उसका जन्मदिन है, तो हमने टिटनगर थाने के अंदर उसका क्षेत्र आता है वहाँ पे सुंदरकांड करने की अनुमति मांगी, जिसकी दीर्घायु सर थाने सुंदरकांड की अनुमति, कार्यकर्ता को जन्मदिन तो कहीं भी मनाया जा सकता है, किसी भी मंदिर पे मनाया जा सकता है। ये जब बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ मना रहा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही मनाएगा, इसकी अनुमति चाहिए। तो ये और जिस तरह का वहाँ बीजेपी ने या मंत्री जी ने जिस तरह से लोगों को, बीजेपी नहीं थी वहाँ, उनके ही समर्थक थे, इस तरह से अभद्र उन्होंने व्यवहार किया और पुलिस पे जूता फेंका कि FIR क्यों कर रहे हो या ले क्यों रहे हो, इस बात पे जूता फेंका पुलिस पे, तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें और अब पुलिस में अनुमति दे रही तो हमको भी अनुमति चाहिए। और आज दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी सही वरिष्ठ नेता 12 बजे मिलने वाले हैं कमिश्नर पुलिस से कि ये सब जगह इस तरह की अनुमति अन्य धर्मों के लोगों को भी और सुंदरकांड की अनुमति दी जाए जब भी किसी का जन्मदिन मने और मनाना चाहे, हम मनाना चाहते हैं। तो यदि नहीं मिलती है अनुमति तो आप क्या करेंगे? नहीं तो कोर्ट में जाएंगे कि जिस तरह उनको दी गई तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, कि ये पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता ही मना पाएंगे, उनको ही अनुमति मिलेगी पुलिस से, कांग्रेस को नहीं मिलेगी। कोर्ट तो ये हैं पीसी शर्मा जो बोल रहे हैं यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनुमति नहीं मिली तो इसके लिए कोर्ट जाएंगे। कि हम राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, IDTV।